नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एज बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं, जबकि आप पहले से पढ़ के गए रहते हैं एज वाले क्वेश्चंस को। लेकिन होता क्या है, दरअसल इसके कई टाइप्स होते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप उन सारे टाइप्स को क्लियर कर लें तो आप पेपर में जाएंगे और वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। तो आज मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगा, उन्हीं सारे टाइप्स को क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आप पेपर में जाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये टाइप फर्स्ट है। इसमें है क्या, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेशियो वाले ही क्वेश्चन ज़्यादातर टफ माने जाते हैं और लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीके बताऊंगा उनको फॉलो करते चलेंगे तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और मात्र 2 से 3 सेकंड में होंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसीलिए आप इसको नोट करते चलिए कॉपी में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, तो चलिए राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा, इसका राम में से अगर हम श्याम को माइनस कर दें तो 12 वर्ष बच जाएगा, क्योंकि भाई ये तो बड़ा है ना। ये अगर ए है, ये बी है, और ए बी से बड़ा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो उतने साल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करा 10 वर्ष बाद, तो +10 वर्ष कर लेते हैं। उन दोनों का अनुपात क्या हो गया, 7:5। ठीक है, 7:5 हो गया। अब क्या करा, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। ये 10 वर्ष बाद का अनुपात बता दिया हमको, तो बस अब कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। देखिए अब देखिए, दोनों का डिफरेंस अगर मैं कहूँ आपको एग्जांपल के लिए कि आपकी उम्र 10 साल है और मेरी उम्र या आपके भाई की उम्र 12 साल है। ठीक है, ये आप हो गए, ये आपका भाई हो गया, तो आपके दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 साल का है। अब 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद भी आपकी उम्र का जो डिफरेंस होगा वो तो 2 ही वर्ष रहेगा ना, आप और आपके भाई में अंतर तो उतना रहेगा। ऐसा तो है नहीं 10 साल बाद आपका भाई बड़ा हो जाएगा आपसे और आप छोटे हो जाओगे, या पहले 2 साल का डिफरेंस था अब 1 साल का हो गया 10 साल बाद, ऐसा नहीं है। मतलब डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर भी रेशियो बताया है बस और क्या, तो 7 में से अगर हम माइनस कर दें 5 को, 7-5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में तो कह रहा है 12 साल का है, यहाँ पे 2 है और वो कह रहा 12 है। इसका मतलब क्या, अगर हम 2 में गुणा कर दें 6 से तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना था, 7 को गुणा करना है 6 से और 5 का गुणा करना है 6 से। तो ये आ गया आपका 30, ये आपका आ गया 42। लेकिन ये उम्र आ गई है, ठीक है, ये राम की उम्र कितनी है, 42 है, और ये श्याम की उम्र 30 है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लीजिए, 42-30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब आपने सही किया है। ठीक है, लेकिन ये आपकी उम्र कब है, ये उम्र आपकी है 6 वर्ष बाद। अब वो पूछ क्या रहा है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस 6 कर देना। क्यों 6 वर्ष बाद है, क्योंकि जो हमने अनुपात यूज किया है 7:5, ये क्या बताया था, 10 वर्ष बाद। ठीक है, ठीक है, 10 वर्ष बाद किया था, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनमें से 10 वर्ष माइनस कर देना, तो हम आप क्या पहुंच जाएंगे। देखिए अभी हम हैं यहाँ पे, वर्तमान में हम थे, लेकिन हमने 10 साल बाद का निकाल लिया है, तो 10 साल माइनस कर दें अगर तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा, इसमें से 10 माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 32, ये आ जाएगा आपका 20। अभी भी डिफरेंस कितना है, 12 ही है, तो आंसर आपका आ गया वर्तमान में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 32 और ये 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राकेश श्याम से 15 वर्ष छोटा है, ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 8:5 है, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, कह रहा राकेश श्याम से 15 वर्ष छोटा है, मतलब बड़ा कौन है, बी, श्याम बड़ा है। ठीक है, तो फिर से वही कर देते हैं भाई, हमको पता है बी माइनस ए कर दें अगर हम, क्योंकि श्याम इस बार बड़ा है और राकेश से 15 वर्ष, तो b माइनस ए करेंगे तो 15 आ गया। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना आ गया, 8:5 आ गया। ठीक है, अब 5 वर्ष कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, पिछले एग्जांपल में भी यही बताया था कि 5 साल बाद भी दोनों का जो आपका और आपके भाई के बीच का अंतर है
उम्र का, वो तो चाहे 5 साल बाद लो चाहे 100 साल बाद लो उतना ही अंतर रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ घट जाएगा अंतर, अगर आप में 2 साल का अंतर था आप और आपके भाई में, तो आगे चल के भी उतना ही रहने वाला। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, 8 माइनस 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए, 5 साल बाद 3 हो गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 गैप था, तो ये 15 गैप कैसे पूरा हुआ होगा, 5 से गुणा कर दें तो हम हो जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे 3 ला रहे हैं, वो तो कह रहा है 15 वर्ष गैप है। तो अगर हमने 5 में यहाँ से गुणा किया तो इसमें भी 5 से गुणा कर दें और इसमें भी 5 से गुणा कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 8 से करेंगे 40 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। अब 40 माइनस 25 करेंगे तो देखिए, 40 माइनस 25 करेंगे तो 15 आएगा डिफरेंस। तो आप इसका मतलब आपने जो आंसर लाया वो सही है। ये मैं सिर्फ डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद क्या पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो लेकिन ये आपने जो निकाला है 40 वर्ष B का और 25 वर्ष A का, ये तो आपका 5 साल बाद का है, तो क्या करें भाई, माइनस कर दें 5 वर्ष तो आप पीछे पहुंच जाएंगे, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा आंसर। और ये 40 में से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है। ये भी कुछ भी पूछ सकता है, या तो राकेश की एज पूछेगा या श्याम की, दोनों की एज नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपने दोनों निकाल लिया। अगर एक की पूछेगा तो आप और जल्दी कर लेंगे, तुरंत निकालेंगे, सिर्फ एक ही का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, राम और श्याम की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष पूर्व आयु का अंतर 5:3 है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। राम और श्याम की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो ए माइनस बी करेंगे, आपका आ रहा है 20। लेकिन क्या करा इस बार, 10 वर्ष पूर्व पहले का इस बार पूछा है, तो इसे -10 वर्ष कर देते हैं, नहीं क्योंकि अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं जोड़ने घटाने में, ठीक है। ये 10 साल पहले का अंतर कितना है, 5:3 है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब अंतर जो रहेगा आपके भाई और आप में वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो 5 में से 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो 20 दिया है, तो इसे बराबर कैसे करें, 10 से गुणा कर लीजिए भाई, तो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे, सब में 10 से, क्योंकि यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, तो ये क्या हो गया 50, ये क्या हो गया 30। अब देखिए 50 में से 30 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20। 20 ही तो आंसर आ रहा था, मतलब 20 वर्ष डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका मतलब सही है। लेकिन अब उसने पूछा क्या, वर्तमान पूछा है, ये तो आपकी आई है कब, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व आई मतलब पहले आई है। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार 10 साल जोड़ेंगे ना कि घटा देंगे, ज़्यादातर लोग इसी में गड़बड़ी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ने घटाने वाला आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 5 साल बाद तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो भी मैंने क्वेश्चन लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले 1:2:3 थी, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। A+B+C बता रहा है कि हमारा क्या है, 90 है, ठीक है। दोनों का, तीनों का योग 90 वर्ष है। उसके बाद क्या करा, 6 वर्ष पहले 1:2:3 थी, तो 6 वर्ष पहले अब इसमें से देखिए हमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपकी उम्र और आपके भाई की उम्र का योग, मतलब अगर आप आज 10 साल के हैं और उसके बाद फिर आपका भाई मान लिया 12 साल का है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, आपको 22 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 साल पहले आपका योग क्या था, तो 2 साल पहले आप कितने के रहेंगे, इसमें से -2 कर दीजिए, आप 8 साल के रहेंगे, 12 में से 2 कर दीजिए, 10 साल के रहेंगे, तो क्या हुआ आपका, 8 और 10 18 साल हुआ, अब आपका जोड़ इतना हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इसको डायरेक्ट 90 नहीं लिखेंगे, सब में से 6 6 वर्ष घटा देंगे, सब में से 6 6 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले का हमें बता रहा है कि वर्तमान आयु इतनी थी।
हम 6 इसका 6 इसका 6 इसका, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो 90 में से हम -18 कर देंगे इस बार, क्योंकि हमें 6 वर्ष पहले का योग पूछा है। तो 6 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 वर्ष पहले जो था आपका अनुपात क्या था वो देख लेते हैं, 1:2:3। तो देखिए क्या होगा, 3 2 5 1 6, इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे योग करना है, घटाना नहीं है, वहाँ घटाना रहता था, यहाँ पे योग लिखा है तो योग करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब दोस्तों देखिए क्या किया, अब हमने वही वही तरीका लगाना है। क्वेश्चन में कह रहा है, हमारे पास आ रहा है कि 6 हो रहा है तीनों का योग, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 72 आ रहा है, तो इसे बराबर कैसे करेंगे। बराबर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, 72 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 12 से गुणा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 12 से, और इसमें भी 12 से होगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या पूछा है, अब पूछा है सी की वर्तमान आयु, ये जो भी आपकी उम्र निकली है ये सी की उम्र है, लेकिन ये कब है, 6 वर्ष पहले की है, 6 वर्ष पहले की है, ये याद रखिएगा। बहुत से लोग इसी को आंसर लगा देते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन में ये ज़रूर रहता है जो आपको गलत कराने के लिए, तो इसीलिए आप देखिए ये 6 वर्ष पहले का है, तो 6 वर्ष आगे जाने के लिए आपको, वर्तमान में जाने के लिए आपको क्या 6 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो अगर आप 36 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और यही आपकी क्या हो जाएगी, सी की उम्र हो जाएगी, और यही आपका आंसर भी रहेगा। अब देखिए 24, बी की उम्र पूछ ले, तो 24 में 6 जोड़ दीजिए कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी बी की उम्र। इसमें ए की उम्र पूछ ले, तो 12 में 6 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो तीनों की आप उम्र बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है इस बार फिर से उसने, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले जो लिखा है वही लिख देते हैं, ए अनुपात बी कितना है आपका, 4:3 है। फिर कह रहा है उनकी आयु का योग 28 है, ठीक है, उनकी आयु का योग कितना बता रहा है कि 28 है, तो मतलब कि हम अगर ए प्लस बी करें तो 28 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेकिन हम जब इसका योग कर रहे हैं 4 प्लस 3 तो क्या आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 28 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 7 से 28 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28। तो इसका मतलब ये जो अनुपात है 4:3, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, 3 चौक 12, ये आ गया ए और बी की उम्र। ठीक है, ये आ गई वर्तमान उम्र। जब कुछ ना दिया हो तो आप मान के चलेंगे कि आपने जो निकाला है वो वर्तमान उम्र है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद अनुपात होगा। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पहले तो उम्र निकाल लीजिए, 4 वर्ष बाद क्या होगी, प्लस 4 वर्ष बाद 4 साल और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, ये इसमें 4 साल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 20 और 16 का अनुपात हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो अनुपात आपका क्या आ गया, 5:4, या क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है 5/4। तो जो भी आपको दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता है तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की उम्र 26 है, तो प्रदीप की उम्र क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं, और लोग बहुत से लोग नहीं भी कर पाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले अशोक को ए ले लेता हूँ, प्रदीप को मैं पी ले लेता हूँ, इनका अनुपात क्या है, 4:3 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद अशोक की उम्र, मतलब अशोक मतलब ए की उम्र कितनी हो गई, 26 है। तो देखिए 6 वर्ष पहले अशोक कितने उम्र का था, मैं बोलूँ अगर आज आप मैं बोलता हूँ अगर कि आज आपकी उम्र 20 साल है, 6 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या रही होगी, 14 साल रही होगी, बिल्कुल इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो 26 का मैं बता रहा हूँ कि अशोक की उम्र 6 वर्ष बाद 26 है, तो 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 6 वर्ष पहले रही होगी 20, तो 20 थी, लेकिन यहाँ तो 4 लिख रखा है, तो ये 4 से 20 कैसे बना है, 5 से गुणा कर दीजिए, ऐसे किया होगा,
तो अगर यहाँ पे 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रदीप की उम्र क्या हो जाएगी, प्रदीप की उम्र हो गई 15। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, ये तो आपकी वर्तमान उम्र हो गई, अब 6 साल बाद अगर पूछ लेता क्वेश्चन में या 3 साल पहले तो वो आप उतना जोड़ देते दे। ठीक है, 3 साल पहले पूछता तो फिर उसमें -3 कर देते, 6 साल बाद पूछता तो 15 में +6 कर देते, वो आपका आंसर हो जाता उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जैसे मैं सारे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता को हम ए मान लेते हैं, पुत्र को बी मान लेते हैं, तो आसानी होगी, और आयु का योग 46 है तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी हम कर रहे हैं तो 46 यानी 46 आ रहा है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, -5 कर देते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, मतलब पिता क्या रहा होगा, पिता तो यार बड़ा ही रहा होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो 11 गुना कौन होगा, पिता होगा, और 1 गुना कौन होगा, 11 गुना मतलब 1 का 11 गुना होता है, तो ठीक 11:1 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद, तो आपको बताना है 5 वर्ष बाद क्या होगा पुत्र की आयु। ठीक है, दोनों की भी पूछ सकता है, एक की भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपको दो, इस बार दो लेवल करने हैं, सबसे पहले आपको -5 वर्ष पूर्व दे दिया, फिर +5 पूर्व वर्ष वाला पूछ लिया आपसे, तो करना कुछ नहीं। यहाँ पे भी देखिए क्या करना है, सबसे पहले 46 से यहाँ पे आपको दिया ही है योग, तो यहाँ पे भी हम योग कर लेते हैं, 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 46 ही नहीं रहेगा, 46 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमने 5 वर्ष पूर्व निकाला है जो ये, तो 5 वर्ष पूर्व इनका जो जोड़ने वाला भी होगा, इनका सम जो होगा जो, वो भी तो घट जाएगा। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आप लोगों को कि अगर आपकी उम्र और आपके भाई की उम्र का योग मान लिया 10 साल, आप हैं 12 साल के हों तो 22 आ रहा है। अब 5 साल पहले आप कितने के थे, 5 थे, और आपका भाई कितने का रहा होगा, 7, तो तब कितना आ रहा है, 12 योग आ रहा है, तो इसका मतलब उतना माइनस करना होता है। तो 5 साल हम इसमें से माइनस करेंगे, 5 साल इसमें से माइनस करेंगे, तो दोनों से हम कितना माइनस करेंगे, 5 5 10, 10 माइनस करना है 46 में से, तो 46 में से 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे दिया और आंसर में क्या आ रहा, क्वेश्चन में 36 बोला, तो 12 से हम 36 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो जब यहाँ पे किया तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, तो 11 33 उम्र का ये हो गया, और ये कितने उम्र का हो गया, 3 साल का हो गया। मतलब जब पिता की उम्र 33 साल थी तो पुत्र कितने का था, 3 साल का था, लेकिन ये आपकी कब आई है, 11 वर्ष 5 वर्ष पूर्व आई है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व आई है, आपसे पूछा क्या है 5 वर्ष बाद की, तो सबसे पहले तो पूर्व से आपको पहुंचना पड़ेगा वर्तमान में, वर्तमान में फिर आप वहां से पहुंचेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आपको जोड़ना कितना है, देखिए अब आपको यहां पे जोड़ना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप, मैं बता देता हूं आप लोगों को, समझा देता हूं क्या हुआ है यहां पे, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष आपका आया 11:1, उसके बाद +5 वर्ष पूर्व आपको, 5 वर्ष बाद का आपको निकालना था। ठीक है, तो अब आपने जो निकाला 33 उम्र और 3 साल उम्र, ये क्या है, 5 वर्ष पहले की है, तो इसमें हमको कितना जोड़ना होगा, सबसे पहले तो हमें वर्तमान पे पहुंचना है, तो वर्तमान में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व हुआ था तो 5 ही जोड़ देते हैं, तो 5 इसमें जोड़ दिया, 5 इसमें जोड़ दिया, ये कितने का 8 उम्र का हो गया, और ये कितने का हो गया, 38 उम्र का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब वर्तमान समय में पिता की उम्र 38 साल है और पुत्र की 8 साल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, लेकिन बताना 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब फिर से हमें 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 43 साल का हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13 साल हो जाएगा। इसका मतलब पिता की उम्र कितनी हो गई, 43 वर्ष हो गई। ठीक है, पिता की उम्र कितनी हो गई, 43, और पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 13 वर्ष। ठीक है, तो दोनों की उम्र में से किसी का भी उम्र पूछ ले आप उसे कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या होगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सुरेश को मैं एस मान लेता हूँ, किरण को मैं के मान लेता हूँ, ठीक है। तो एस यहाँ नहीं, यहाँ पे करते हैं एस और के। इसमें क्या है अनुपात, क्या रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी, मतलब सुरेश 2 गुना बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि दोनों की उम्र का जोड़, तो चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पे, 2 2+1 करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, दोनों उम्र का जोड़ 24 है, तो 24 है तो 3 से 24 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 8 24 ही होता है, तो जब वहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी भी देखिए दोनों के बीच में अनुपात क्या है, 2 2 गुना, ये बड़ा है अभी भी सुरेश, ये 16 साल का, ये 8 साल का है, तो सुरेश की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो सुरेश की उम्र क्या होगी, सुरेश हमारा ये है और उसकी उम्र 16। अब ये नहीं पूछा वर्तमान या क्या, तो जब भी कुछ ना दिया रहे तो वह इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान की उम्र पूछ रहा है। और किरण की वर्तमान उम्र क्या होगी, 8 वर्ष हो जाएगी। अब इसी में और क्वेश्चन पूछ दे कि 5 साल 10 साल बाद, तो कुछ नहीं करना, आपको जोड़ लेना है। अगर आपसे पूछे 5 वर्ष पहले की, तो माइनस कर लेना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिता की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 56 वर्ष है, बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, अगर आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे जितने भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिता और यहाँ पे पुत्री, बेटी यानी कि पुत्री, ठीक है। तो बताए इनकी उम्र में 7 गुनी, पिता की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी, मतलब बड़ा वैसे भी पिता ही होगा, तो 7 गुना कौन है, पिता है, तो इनको पुत्री को हम 1 गुना मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 7 गुना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो +4 कर देते हैं, +4 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इनके उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो चलिए बता देते हैं। तो 7 + 1 बराबर क्या बता रहा है, 56, ठीक है, यही बता रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 56 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये आपका रेशियो दिया है 7:1, ये तो 4 वर्ष पहले का है, जबकि आप 7 4 वर्ष बाद जब निकाल रहे हैं तो भी आपने उसी रेशियो को लिया है, तो इसलिए करना क्या होगा, 4 वर्ष पहले जो था इनका योग वो 4 कम रहा होगा, मतलब इनमें भी -4 हो जाएगा और इसमें भी -4 हो जाएगा, तो टोटल हम क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आज देखिए कि आपका और आपके भाई का मान लिया वो 12 साल का और एक 10 साल का है, तो अगर उस समय अभी का मैं बात करूं वर्तमान में मान लिया आप 15 के हैं और वो 10 का है, तो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, 5 साल पहले आप रहे होंगे 10 के और आपका भाई रहा होगा 5 का, तो आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोनों का जोड़ने पे, लेकिन अब आ रहा है 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, अगर आपको यहाँ से ये चीज़ निकालनी है तो आप सिर्फ उतने ईयर को इतने में से माइनस कर देंगे, मतलब 5 वर्ष बाद ही आया है, तो इसमें से क्या करेंगे, 25 में से 5 इसका माइनस कर देंगे और 5 इसका, मतलब टोटल हमें 10 माइनस करने हैं 25 में से, तो 25 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें वही करना है, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद का रेशियो पहले का रेशियो दिया हुआ है और टोटल बता रहा है 4 वर्ष बाद का, तो उसे हमें बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से -4 और -4, एक उसके पिता की उम्र का मैंने माइनस कर दिया और एक उसके पुत्री का उम्र का माइनस कर दिया। अब देखिए क्या होगा, 56 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बराबर हो गया है, तो 7 + 1 के बराबर ही है, मतलब कि 8 के बराबर क्या है, 48 है, तो अब 8 के बराबर 48 कैसे होगा, देखिए हम तो ला रहे हैं 8, क्वेश्चन में कह रहे हैं 48, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो अब जब यहाँ पे 6 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 6 से गुणा करेंगे, तो 7 से 6 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और 4 1 से गुणा करेंगे 6 से, ये 1 यहाँ पे ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 साल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है बेटी की वर्तमान उम्र, अब आपको जो अनुपात दिया था 7:1, ये वर्तमान का ही दिया था, तो इसका मतलब बेटी की उम्र क्या हो जाएगी, यही 6 वर्ष हो जाएगी,
लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि बेटी की उम्र 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो इसी में हम +4 और कर देते तो आपका आंसर क्या आ जाता, 10 आ जाता। और पिता की वर्तमान उम्र क्या है, 42। आगे का पूछे या पीछे का पूछे वो सब आप निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो आयु है तो आपको आयु बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, कुछ नहीं है इसमें भी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु का योग बोल रहा है 56 है, तो चलिए ए बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए इनको मान लेते हैं, बी इनको मान लेते हैं। तो ए प्लस बी का योग कितना बता रहा है, 56 है। 4 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, मतलब क्या हो जाएगा, पिता 3 है तो ये 1 हो जाएगा, 3 गुनी हो गई, तो 3 गुनी हो जाएगी, तो आयु बतानी है अब आपको, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, अब देखिए 4 वर्ष बाद जब ये 3:1 हो जाएगा तो ये 56 भी तो थोड़ी रह जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अब वही सेम बात फिर से आ गई। मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो आप पेपर में गलती ज़रूर करके आएंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा जोड़ना कब घटाना कब है। अब देखिए पहले 56 आ रहा था, आप 10 साल के हैं, आपका भाई 15 साल का है, तब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था, 25 आ रहा था। अब आज के 5 साल बाद आपका क्या हो जाएगा, आप 15 साल के हो जाएंगे, आपका भाई 20 साल का हो जाएगा, और उसके बाद जोड़ने पे क्या आ जाएगा, आपका 45 साल आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में आपने क्या किया, सॉरी 35 साल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 35 साल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इसका मतलब 5 जो इसमें पड़ा और 5 इसमें, इन दोनों को इसमें +10 जोड़ दिया और डायरेक्ट आपने निकाल लिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, जब 56 साल पहले ही दिखा रहा था तो अब कितना हो जाएगा, अब तो भाई 4 साल इसमें भी बढ़ जाएगा, 4 साल इसमें भी बढ़ जाएगा, तो मतलब टोटल 6 साल और बढ़ जाने चाहिए। तो 56 में 4 + 4 कर दीजिए, मतलब 56 में हमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, ठीक है। अब 56 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये किसके बराबर, 3:1, मतलब कि यहाँ पे भी जोड़ना ही है क्योंकि बोल दिया पिता और पुत्र की आयु का योग, ठीक है। घटाना अगर बोलता कि मतलब माइनस है 56 वर्ष तो माइनस करते, लेकिन यहाँ पे जोड़ बोल दिया योग, तो हम 3 + 1 = 4। अब 4 बराबर है हमारा 64 के, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि भाई ये 16 से गुणा हो जाए तभी तो होगा, क्योंकि हम तो ला रहे हैं 4 लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 64, तो इसलिए हमने 16 से गुणा कर दिया। अब जब इसमें 16 से गुणा किया है तो इसमें भी 16 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 16 से गुणा कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष, ठीक है। तो अब आपसे जब कुछ नहीं पूछा है तो इसके इसका मतलब क्या है कि आपको वर्तमान का निकालना है, तो देखिए अब आपने ये जो निकाला है अनुपात, ये 4 साल बाद का है, और अगर आपसे पूछा है वर्तमान तो देखिए 4 साल उसमें माइनस कर दीजिए, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 48 - 4 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 44 वर्ष आपके पिता की उम्र हो जाएगी वर्तमान में, और 16 ये थी तो 16 पुत्री की थी, पुत्र की, तो उसको 4 माइनस कर देंगे इसमें से भी, तो क्या आ जाएगा 12 वर्ष, तो ये आपका हो जाएगा। और अगर ये पूछता 4 वर्ष बाद तो आपने 4 वर्ष बाद वाला ही निकाला, तो यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके और कमेंट में हमें आंसर ज़रूर बताइएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। और इसका भी मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में ये पूरा वीडियो पूरा जो टॉपिक था वो कवर नहीं हो सकता था, सारे क्वेश्चन जितने भी डिफरेंट टाइप के आते हैं इंपॉर्टेंट और टफ़, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड पार्ट इसका जल्द ही अपलोड होगा 2 से 4 दिन के अंदर, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद से ये दोनों वीडियो देखने के बाद से आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे पेपर में जो आपको नया लगे या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, आप 100% सही करके आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसे नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।